भारत में करीब 13 साल तक लापता रहने के बाद आज जब एक भूटानी नागरिक अपने पिता से मिला तो वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। मुलाकात के दौरान पिता पुत्र ने एक दूसरे को गले लगाया और अपना स्नेह जताया। यह घटना किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। भूटानी युवक को उसके पिता नाम्बे वागंडे चामोर्ची चेक पोस्ट स्थित सामची भूटान गेट पर लेने आए थे। भूटान के सभी प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद वो अपने बेटे फोनसे वांगडी जिनकी उम्र 36 वर्ष है उनके अपने घर ले गई। गौरतलब है कि फोनसे वांगडी 2011 में भूटान से भारतीय सीमा पार करने के बाद लापता हो गए थे। पिता ने काफी तलाश की लेकिन उसका बेटा नहीं मिला। उन्हें लगा कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जब 13 साल बाद अचानक उन्हें अपना खोया हुआ बेटा मिला तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। मुंबई में श्रद्धा व नवाज फाउंडेशन के सामाजिक कार्यकर्ता समर बसाक और निखिलेश सांगरा ने भूटानी युवक फोनसे वांगडी को मुंबई के श्रद्धा रिहैबिलिटेशन केंद्र से लाया, जहां आज उन्होंने भूटानी युवक को सुरक्षित उसके पिता को सौंप दिया। श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन के सामाजिक कार्यकर्ता समर बसाक ने बताया कि यह भूटानी नागरिक अपने पिता के साथ भूटान की राजधानी थिम्पू में एक बेकरी में काम करता था। पिता से अचानक विवाद होने पर यह युवक भारतीय सीमा में घुसकर भाग निकला। यह लड़का कई सालों तक दक्षिण भारत के चेन्नई में एक होटल में काम करता था। कोविड महामारी के दौरान जब युवक बेरोजगार हो गया तो वह मानसिक रूप से बीमार हो गया। किसी ने इस लड़के को सड़क पर पड़ा हुआ देखा और इस भूटानी नागरिक को चेन्नई के एक मानसिक अस्पताल में लाया गया, जहाँ इलाज किया गया। 6 महीने तक वहाँ रहने के बाद युवक को इलाज के लिए मुंबई के श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन में लाया गया। उन्होंने बताया कि श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन में डॉक्टर भरत भटवानी की देखरेख में इस युवक की मानसिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आया। वही काउंसलिंग के दौरान इस युवक ने बताया कि उसका घर भूटान के थिम्पू शहर में है। पहले ये युवक अपना नाम भी ठीक से नहीं बोल पाता था, लेकिन इस युवक का घर ढूंढना मुश्किल था क्योंकि उसका कोई नाम और सटीक पता नहीं था। पिछले साल भी श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन की ओर से भूटान आकर सैम्स के परिवार से मिलने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। लेकिन इस बार चामोर्ची चेक पोस्ट के सशस्त्र सीमा बल अधिकारी, चामोर्ची आउटपोस्ट के पुलिस अधिकारी, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता रेजा करीम और अन्य लोगों की मदद से 13 साल से लापता रहे यह भूटानी युवक को अपने देश लौट आया, जो बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही खुशखबरी है। 2011 में बाहर आए थे और वो आज पायो एकदम खुशी बहुत कसरी हराएको थियो त्यो अलिकति बिमार मेन्टल बिमार भएर हराएको थियो कहाँबाट हराएको थियो सम्चीबाट हराएको थियो अन्त अहिले चाहिँ भर्खर पायो कस्तो लाग्यो छोरालाई पाएर एकदम खुसी भयो अब जानुहुन्छ हजुर तपाईँको घर कहाँ हो थिम्पू थिम्पूमा आज थिम्पू नै लानुहुन्छ छोरालाई कि थिम्पू तपाईँको नाम नम्जे वङ्गे के वङ्गे नम्जे वङ्गे आपा से मुलाकात हुआ कैसा लगा अच्छा लगा तो जो आपको यहाँ तक लेके आए मुंबई से क्या कहेंगे उन लोगों को नमस्कार आपा से मुलाकात होने के बाद कैसा लगा अच्छा लगा आपका नाम क्या है अभी कहाँ जाएंगे आप मेरा नाम है समर बसक मैं श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन का सोशल वर्कर हूँ ये शुरू में इसका नाम जो बोला था फयाज नाम था इसका हम लोग इसको चेन्नई IMH से रेस्क्यू किए थे मोर देन 6 मंथ वहाँ था फिर वहाँ से हम उनको रेस्क्यू करके हमारे श्रद्धा फाउंडेशन मुंबई में लेके आए थे फिर वहाँ इसके ट्रीटमेंट करवाए हम लोग ट्रीटमेंट करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होता रहा स्टेबल होता रहा स्टेबल होने के बाद उससे पूछा गया हम लोग काउंसलिंग में पूछे कि आपका नाम कहाँ है आप घर कहाँ है कहाँ रहते हैं तो फाइनली वो बोला मेरा घर जो भूटान थिम्पू में है तो इसका जो ट्रीटमेंट किया डॉक्टर शरद डॉक्टर भरतवर्मनी सर उनसे बात की हम लोग और फिर जो कुछ स्टेबल होने के बाद जो जो एड्रेस दिया था फाइनली कुछ एड्रेस दिया समसी का यहाँ का वहाँ हम लोग पहले भी 1 साल पहले ट्राई किए थे पर हम लोग कुछ मिला नहीं फाइनली और 1 साल हम लोग ट्राई किए इसको रहने
मतलब और स्टेबल किए, स्टेबल करने के बाद और कुछ कुछ जगह का एड्रेस दिया है। एड्रेस देने के बाद हम लोग फाइनली उसको अब बोले अब लेके जाना है, हम लोगों को ट्रीटमेंट में ट्राई करना है, अभी कोशिश करना है जो उसको घर मिल जाए। तो फाइनली इसका ट्रीटमेंट लगभग हम लोग एक साल तक किए, इसका मेडिसिन, इसका फॉलो अप, इसका ट्रीटमेंट सब कुछ हम लोग किए हैं इसका, सरदार यादव फाउंडेशन से हुआ है। और आगे जो मेडिसिन देने पर वो हम लोग भी करेंगे क्योंकि और अच्छा होता रहेगा। फाइनली क्या हुआ, जब इसको हम लोग लेके आए तब वो अनस्टेबल था, मेडिसिन और ट्रीटमेंट के बारे ट्रीटमेंट से वो पहले से बहुत अच्छा हुआ है और सही सही से बताया। फाइनली वो बोलता था मुझे घर जाना है, होम सिकनेस था, और हम लोग का चैलेंज था क्योंकि इसका जो एड्रेस था वो कंफर्म नहीं था, हम लोगों को वही चैलेंज था, हम लोग जाके सर्चिंग करेंगे। यहाँ आके पहली बार मुझे बहुत हेल्प मिला था, दूसरी बार जब अभी आया यहाँ सब जगह से मुझे हेल्प मिला, यहाँ आउट आउट पोस्ट ऑफिस से, SSB ऑफिस से, सर निधुल सर, बाकी ADM सर से इन लोग बात की है, सर सर खुद आए हैं, और आपका इमिग्रेशन ऑफिस से भी मुझे बहुत हेल्प मिला, लोकल लोग भी मुझे बहुत हेल्प किए। फाइनली रात को 12-1 बजे तक निधुल सर जो SSB का सर है वो कॉन्टेक्ट में रहे, मेरे सुबह से मिले भी, ठीक है, वो बहुत हेल्प किए सर लोग ने मुझे SSB से, ज़्यादातर SPCB से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला मुझे, ठीक है, नहीं तो ये दिक्कत हो जाता। फाइनली हम लोग सुबह इन्फॉर्मेशन आया उसके पिताजी का, स्ट्रेस कर पाए वो लोग, तो बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश हैं सबसे सहयोग से। सर लगभग सर 2 साल, 15 से 20 साल से लापता था, 15 साल, मोर देन 15 साल के ऊपर है लापता था ये। एक्चुअली फाइनली ये काम करता था भूटान में इसके पिताजी के साथ, फिर वहां से वो किसी तरह पापा के साथ थोड़ा अनबन हुआ था, निकल गया था घर से, फिर फाइनली यहाँ से निकल गया था इंडिया के चेन्नई की तरफ, वहाँ बहुत साल काम भी किया होटल में। काम करने के बाद वो शायद कोविड के टाइम काम चला गया, इसे रस्ते में आ गया था, रस्ते में आने के बाद क्या हुआ, चेन्नई का जो सोशल सेक्टर मीडिया सोशल सेक्टर में काम करते हैं वो लोग उसको उठा के मेंटल इलनेस चेन्नई में भर्ती किया था, तो वो लोग रखते हैं ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन घर छोड़ने का काम हम लोग का नहीं है, हम लोग मुंबई से श्रद्धा फाउंडेशन जो है ये लोग काम करते हैं, हम लोग ऑलरेडी यही काम करते हैं, पेशेंट को ट्रीटमेंट करके उसको घर छोड़ना, तो हम लोग मोर देन 10,000 के ऊपर पेशेंट छोड़े हैं आज तक, डॉक्टर वर्धवर्धन सर इनका ऑनर है, जो अभी भी हम लोग चल ही रहा है हम लोग का काम, हम लोगों के लिए हम लोग यहाँ सिर्फ हम नहीं, हमारे जैसा बहुत सारे और भी स्टाफ है अलग अलग स्टेट के, जैसे मैं बंगाल से हूँ, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई झारखंड से है, कोई आसाम से है, डिफरेंट डिफरेंट जगह से, क्योंकि लैंग्वेज वेरिएंट होता है, क्योंकि बंगाल से बंगाली से बंगाली में बात करना होता है, उड़िया से उड़ीसा से बात करना है, कोई जैसे मान लीजिए चेन्नई का चेन्नई के चेन्नई से वाले बात करते हैं, तो अलग अलग डिफरेंट से हम लोग सोशल वर्कर रहते हैं ताकि उसको घर पहुँच पाए, कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज हम उसका पिताजी आए हैं, हम लोग उसको हैंड ओवर करेंगे, ठीक है। मेरा नाम समर बसाक है, सरदार यादव फाउंडेशन मुंबई से। मैं जब पहले शुरू में आ रहा था, पहले इन लोगों के साथ मैं डिस्कशन तो चल ही रहा था यानी भूटान पुलिस से, फिर यहाँ आके फर्स्टली मैं मिदुल सर से मिला, फिर मिदुल सर सर से मुझे बात करवाया, KK प्रशांत सर सर से, फिर राजा करीम सर से मुझे बात करवाया, ये लोग ADM सर जो हैं यहाँ के पूरे डिस्कशन के, ये सब बात लेके रात तक बात चला, फिर फाइनली एक सलाह हुआ इसको लेके, तो फिर वहाँ से सुबह में जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गया आप लोगों का बात हुआ है वहाँ, और इसमें सर का इंस्पेक्टर सर का सबका सहयोग मिला मुझे बहुत ज्यादा, ठीक है, नहीं तो मतलब आगे नहीं बढ़ सकते हम इससे ज्यादा। प्रोसेस लेट ही है क्या, यहाँ थोड़ा आईडी लेकर प्रोसेस चल रहा था क्योंकि उसका प्रॉपर आईडी नहीं था, लेकिन हम लोग उससे बात किया था, ऐसा नहीं है आईडी, लेकिन ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई अगर मिसिंग हो गया उसका एक तो ऑथराइज होना चाहिए, क्योंकि वो है भूटान का और वो बात भी कर रहा है भूटानी में, जगह भी दे रहा है भूटानी, एक्चुअली हम लोग को थोड़ा ऑथराइज अगर दीजिए या सर्टिफाई कीजिए उसके लिए, मैं खुद आपसे मेरा जिम्मेदारी दे रहा हूँ, मेरा आईडी दे रहा हूँ। फाइनली वो सब लेके सर से बात की है, हम लोग सर से बात की है, इंस्पेक्टर सर से बात की है, ये लोग फाइनली ADM सर से बात की है, और वो प्रोसेस थोड़ा सा जो कठिन था वो थोड़ा सा सफल हो गया, मतलब स्लो स्मूथ हो गया, एकदम से अच्छा हो गया मेरे लिए, ठीक है, इसलिए मैं बहुत बहुत आप लोगों के साथ धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर, ठीक है सर।